गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा रिकैप एंड रिवीजन था बेटा, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेटा आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाउ डज़ ए गुड स्टिंग पॉस्चर हेल्प अस, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने बेटा कि जो गुड स्टिंग पॉस्चर है, जो अच्छा जो सिटिंग का पॉस्चर होता है, वो हमारी किस तरीके से मदद करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा सिटिंग पॉस्चर होता क्या है। सिट अप स्ट्रेट विद योर बैक अलाइंड विद द बैक ऑफ चेयर। सबसे पहले बेटा क्या बैठना होता है, हमें बिल्कुल सीधा बैठना होता है और हमारी जो बैक होती है, हमारी जो कमर होती है, उसको हमें जो हमारी चेयर होती है उससे के साथ बिल्कुल अलाइन करके बैठना होता है। दिस मेक आवर बैक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अवॉइड बैक एक। ये हमारी किस में मदद करता है बेटा, हमारी अगर हम ऐसा सिटिंग पोस्चर रखते हैं, इस तरीके का अगर हमारा सिटिंग पोस्चर होता है, तो जो हमारी बैक है, हमारी जो कमर है बेटा, वो स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर बनती है और हमें कभी भी कमर दर्द नहीं होता। बैक एक का मतलब होता है बेटा कमर दर्द। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रखा बेटा, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली, कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है बेटा संयुक्त परिवार क्या होता है। ए फैमिली वेयर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग स्टेट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। वो परिवार जिसमें बेटा ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे जो दादा दादी हैं, वो हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा एंड सिबलिंग्स और हमारे भाई बहन एक साथ रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, जॉइंट फैमिली फॉर्म करते हैं। उसके बाद बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्लैंटिंग रूफ एंड अ फ्लैट रूफ। हमें डिफरेंस बताना है बेटा स्लैंटिंग और फ्लैट रूफ के अंदर। तो इन हिली रीजन्स और इन अ प्लेस वेयर इट रेन्स अलॉट, हाउस हैव स्लैंटिंग रूफ। बेटा पहाड़ी इलाकों में या फिर उन जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, घरों की छतें किस तरीके की होती है, स्लैंटिंग रूफ यानी कि ढलान वाली छतें होती है। वेयर एज फ्लैट रूफ्स कहाँ पर होती है बेटा, हाउसेज दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन प्लेन्स एंड इन ड्राई एरिया हैव फ्लैट रूफ। जहाँ पर बेटा जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे जो मैदानी इलाके होते हैं या फिर जो सूखे एरिया होते हैं, उन पे घरों की छतें किस तरीके की होती है, फ्लैट होती है यानी कि चपटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चंस थे बेटा, कल हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।